मेरा मूड कुछ ज्यादा ही खुश है। क्यों क्यों मैं खुश? अच्छा नहीं लगता आपको? मोहतर मार रही है कोई? बड़े चलाको भाजी आप। बिल्कुल सही पकड़ा बाजी आपने। अगर बिलोंग तो एक ही शहर से करते ना, तार जुड़े हैं दिलों के दिलों से। एंटरना टू एंटरना। एक्चुअली यहाँ पे आने वाली सोनाक्षी सिन्हा, ओए ये तो खुशी की बात है ही। और दूसरी खुशी की बात ये है कि ना मेरी बीबी है इधर, ना मेरी दादी। ये तो आज मैं जम के मस्ती करने वाला हूँ। साहब जी राजू। हाँ जी। अच्छा किया तू आ गया, मेरा ठंडा पीने का बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा मेरा भी बड़ा कर रहा है, फटाफट बाजार से ले आओ फिर। अबे नौकर तू है? हाँ मुझे पता है नौकर मैं हूँ, इसलिए जब चाय बनानी हो तो मैं बनाता हूँ। आज ठंडे का आपका मूड है तो ठंडे के नाम पर हमारे घर में ठंडी हवा आती है, वो ले आऊँ आपके लिए। अकवास ना कर, फ्रिज खोल के देख उसमें कुछ ना कुछ ठंडा पड़ा। फ्रिज खोल के? मैंने कल फ्रिज खोला था, मुझे तो शर्म आ गई। क्यों गोभी नंगी देख ली तूने? शर्म आ गई पाजी? गोभी अंदर होती ना तो मुझे शर्म आनी नहीं थी, अंदर तो दादी ने अपने पेटीकोट और नाइटियां तय करके रखी हुई हैं। बदतमीज तो तू बचपन से था लेकिन आज थोड़ा ज्यादा कर रहा है। देखो साहब जी, आज मैंने फैसला कर लिया कि मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। बस। अच्छा हाँ। तो पहाड़ से कूदेगा कि ट्रेन के नीचे आएगा? देखो साहब जी, मैंने खुद खुशी नहीं करनी, मैंने खुद खुशी वाला काम करना है। मतलब जो मेरे मन में आएगा, जो जिसमें मुझे मजा आएगा, मैं आज से वही काम करूंगा। फिर बैठेगा बाथरूम में 2 घंटे? आपको पता है इसको कैसे काम में मजा आता है? मक्खी होती है ना मक्खी, उसकी टांग पे धागा बनकर जहाज बना के उड़ाता रहता है, ये काम करता है। कभी कॉकरोच की पूंछ पे धागा बना तो पीछे पीछे जाता है ऐसे करके। अबे जा लाना मैं तेरे शक्ल पे। वो मैं मजे नहीं लेता हूँ, वो मेरा स्टाइल है ये पता करने का खाने वाला सामान कहाँ कहाँ पड़ा है। और आप वो सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे बस छुट्टी चाहिए। दी वापिस अपनी शक्ल मत दिखाना, चल भाग यहाँ से। साहब जी ऐसे तो मैं आपको अपने पैसे नहीं मारने दूंगा, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ। हॉलीडे पे? हाँ जी। ये मुंह और दाल मखनी? कभी कहावत ये नहीं होती, कहावत ये होती ये मुंह और मसूर की दाल। तेरे मुंह पे तो मसूर की दाल भी सूट नहीं करती, वो तो सिद्धू पारी बैठे, मैं इसलिए बजट बढ़ा दिया थोड़ा, दाल मखनी कर दिया मैंने। हॉलीडे पे जाएगा? हॉलीडे के स्पेलिंग आते तेरे को? आपको सोनाक्षी सिन्हा के स्पेलिंग आते हैं? फिर भी आप बुलाते ना उनको शो को? बकवास बंद कर, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तेरे को। फटाफट अंदर जा, मेरे कपड़े धो के प्रेस कर दे। कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, कल हम धो लेंगे। पाजी मेरा कसूर है, मैंने इस कमीने को ना छोटे भाई की तरह रखा हुआ घर में। हाँ। पाजी आप ही बताइए, दुनिया का कौन सा बड़ा भाई है जो छोटे भाई के गुल्लक को ऐसे करके देखता रहता है? और तो और पाजी ने मेरे को मार्केट में एज ए बड़ा भाई इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, वो तो मैंने मुझे लगा मेरी रिस्पेक्ट हो रही है, वो तो बार बार पता चला इन्होंने मार्केट में जाकर बोला कि सामान मैं लूंगा, पेमेंट मेरे बड़े भैया करेंगे। इसके चाचा ने 3 शादियां की हैं, तीनों की तीनों औरतें किसी के साथ भाग गई हैं। तब से कह रहा मेरा शादी से विश्वास उठ गया, मैं भी किसी की भगा के लाऊंगा। मेरा चाचा कहां से आ गया बीच में? इसकी मौसी वाह पूरी गंजी है, इधर से बाल है सिर्फ, तो यहां से उठा के ना इधर रखती है, बाल रखती है ठीक है, सिंदूर भी इधर डालती है, आधा कानों पड़ता है, ऐसे तो करती है। मैं समझ गया, मुझे वापस चला जाना चाहिए। अगर चाचा पे समझ आता ना मौसी बच जाती तेरी। तो मौसी का फलूदा कर दिया उसने, इज्जत का। भाग के जा अंदर, गेट अप। पाजी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आपको पता है बच्चों को सबसे ज्यादा मजा आता है हॉलीडे में। हाँ। क्योंकि काम करना नहीं पड़ता। हाँ। ऐश मुफ्त की, अपने मामा के घर जाओ, नाना के घर जाओ। मैं जब छोटा था हम लोग भी जाते थे घूमने, हमारे घर में भी आते थे मेरे मामा के बच्चे, इतने शरारती बच्चे मैंने लाइफ में कभी नहीं देखे। पाजी मेरी बुआ ना अपनी पिंकी, इसने मिक्सी में आम रखे कि मैंगो शेक बनाते हैं, इतने कमबख्त बच्चे ढक्कन लगाए बिना ही मिक्सी चला दी। लाइफ में पहली बार हुआ हमने दीवारों से चाट चाट के मैंगो शेक पिया। और एक छोटा वाला चुन्नू, वो तो इतना कमीना ना, मेरी दादी के बालों को आग लगा दी, थप्पड़ मारा, ये क्या किया? अरे अंकल मैं देख रहा था काले बाल जल्दी जलते हैं कि वाइट वाले। इतने गलत बच्चे होते हैं कई। ओ भैया कोई कार में जाए, कोई बेकार में जाए, कोई छुप छुप के झाड़ में जाए, बच्चों को छुट्टियां अच्छी लगती ही है,
सारी दुनिया चाहे भाड़ में जाए। छुट्टी हर एक को प्यारी होती बाजी, लेकिन कभी सरकारी कर्मचारी को इतवार वाले दिन कोई छुट्टी आ जाए ना, जैसे इतवार को दिवाली आ गई है, उसका मूड खराब हो जाता है। संडे को होली आ जाए, उसका मूड खराब हो जाता है। बच्चा आता ना होली, पापा रंग लेना, उस पर गुस्सा निकालता है, रंग लेना रंग लेना, थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दो, भरे यहां से, होली आई है, बाप तेरे की छुट्टी मर गई, होली मना रहा है, खींच जाते लोग। अच्छा भाई, कुछ लोग छुट्टियां होते हैं ना, फटाफट सामान पैक करके निकल जाते हैं, उनको पता है कि अगर हम ना निकले कोई हमारे घर पे आ जाएगा। और ऐसा होता भी भाजी, सरप्राइज मिलता है, दरवाजा खुलता है, सामने गेस्ट, मामी। मामी को गुस्सा चढ़ जाता है कि कमबख्त कहाँ आ गए। वो फिर चूटियां काटती है अपने पति को बातों बातों में, सुनो जी हमारी जीजा जी पिछली बार भी 3 दिन का बोल के आए थे, 7 दिन नहीं निकले थे। वो तो मेरी होशियारी, मैंने काम वाली भाई को 100 रुपया दिया, मैंने कहा गंदे गंदे इशारे करो इसको। दीदी को इनसिक्योर फील हुआ, फिर जीजा को लेकर निकल गई। जीजा तो बिगड़ा नहीं, हमारा बजट बिगाड़ के चले गए कमबख्त। तो खैर बाजी, हर एक का छुट्टियों का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे भी हमारे जो दोस्त बैठे हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो गए। कोई अगर कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो। जी सर। ऐसा हुआ, जिनेवा से बर्न पर, बर्न जाना था, जिनेवा से बर्न। अच्छा जी। बर्न स्टेशन है, तो मैं गया नहीं कभी। मैं भी नहीं गया था, पहली बार गया था मैं। अच्छा जी। जिनेवा से कहाँ जाना था? बर्न स्टेशन। बर्न। अच्छा। हाँ जी, मैं किसी दूसरी की वाइफ को लेके अपने पास चला गया, मैं मेरी वाइफ वही रह गई। सही बात है। हाँ जी, अंदर जाके देखा तो मेरी वाइफ नहीं है, दूसरे की वाइफ है। तो मैंने कहा कि सॉरी यू आर नॉट माय वाइफ, कहती सॉरी यू आई एम नॉट योर हस्बैंड, यू आर नॉट माय हस्बैंड। नहीं, आप गलती से ले गए थे, कैसे मतलब? गलती से नहीं, गाड़ी जल्दी जल्दी चलती है, तो मैं फटाफट हाथ पहले पकड़ा और मैंने कहा मेरी वाइफ का हाथ नहीं था, किसी दूसरी का हाथ था उसका। और उसकी सजा ये हुई कि मेरी वाइफ के साथ $4,000 थे, सारे के सारे खर्च करके आ गए, मेरा एक नए पैसे का भी मेरा सामान नहीं लेके आई वहां पर। तो आप जो सामान लेके चढ़ गए थे वो आपने सोचा था? नहीं, मेरे साथ कुछ वो रह गया था वहीं पर। कितने साल हुए शादी को? हो गया 28 साल। 28 साल बाद तो आदमी कानपुर नहीं जाता बीबी को लेके? कानपुर भी चला जाता हूँ। पर जिसको आप लेके चढ़ गए थे वो उसका पति नहीं था साथ में? उसका पति पता नहीं होगा, मुझे तो पता ही नहीं। अभी मैडम आई आपके साथ? भाई साथ बैठी है। अच्छा, आप घर जाके देख लेना अपने। कुछ नहीं होता, nothing happens। कुछ नहीं कहती? कुछ नहीं कहती। पक्की बात है? मैडम को माइक दीजिए जरा। मैडम ऐसे ही है, सही बात है, कोई नहीं मतलब आपको पति कहीं भी एक्चुअली स्टेशन पर गलती से ये वहाँ रश होता है काफी, तो हम लोग गए हुए थे, ट्रेन पर चढ़ना था, तो इन्होंने गलती से, मैं पीछे थी तो आगे कोई लेडी थी, उसका हाथ पकड़ा और चढ़ गए। आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि इन्होंने गलती से ही पकड़ा? नहीं, वो तो मुझे मालूम है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। पर चलिए, ये यादगारी चीजें होती सर, अगर ये ना होता तो आज शायद आप ये किस्सा शेयर ना कर रहे होते। बिल्कुल। सिद्धू साहब, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं? मैं तीन बार रह चुका हूँ, सिर्फ अमृतसर से, और कहीं से नहीं। अच्छा, जो भी है, लोकसभा में नहीं थे आप? तो लोकसभा ही है। हाँ हाँ, और क्या, मेरे घर की सभा थोड़ा। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ छोटा सा, है वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आप जवाब दे दो तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप 60 साल की उम्र में अगर बच्चों वाला पूछना चाहते हैं, बच्चों वाला पूछो। तो आप ये बताइए, क्या लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है? हेलो, पकड़ लो। लोकसभा लोगों की चुनी हुई। हाँ जी, लोकसभा है। ठीक है जी। और वो नॉमिनेटेड है। बिल्कुल ठीक है जी। और क्या? यही है बस। और नहीं जी, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आपको पता नहीं है? अरे वाह, तो आप ज्ञान बरसा दो यहाँ। ज्ञान ये है कि लोकसभा में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा होता है और राज्यसभा में लाल कलर का कारपेट बिछा होता है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा के कारपेट पता आपको? ये नहीं पता कि पीछे अपनी बीवी किसी और की है? चलिए, थैंक यू सो मच सर, शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो सिद्धू सर। हेलो, आई एम रितु, आई एम फ्रॉम दिल्ली। हाय रितु, ये आपके हस्बैंड हैं? या। ओके।
हेलो कपिल सर, हेलो सिद्धू सर, आई एम रोहित। दोनों ने इकट्ठा हाथ खड़ा किया था, मोटर मार के हट। जी मैम, फनी एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा, आफ्टर मैरिज हम हनीमून के लिए जब गए तो इतना जल्दी जल्दी था, पैकिंग वैकिंग करना विद इन अ वीक हम चले गए थे शिमला। किस चीज की जल्दी थी आपको? अच्छा, हनीमून जाने की जल्दी थी बस। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वादा नहीं करती, प्लान बना सडनली विद इन अ वीक बन गया, तो पैकिंग में इतना जल्दी विद इन अ वीक ही इनके दिमाग में तो एक साल पहले से होगा। इतनी पैकिंग भारी थी हमें कि हम दोनों अपना आईडी कार्ड ही भूल गए। आईडी कार्ड भूल गए? हाँ। तो पर आप हनीमून पे गए थे तो आप एक दूसरे से आईडी कार्ड मांगते पहले हनीमून मनाने के लिए? कहाँ गए थे आप हनीमून के लिए? शिमला। अच्छा, तो दोनों के पास आईडी कार्ड नहीं था, फिर घर पे कॉल्स करा, मेल पे मंगवाया स्कैन करके फोटोज कार्ड, 4-5 hours लग गए हमें। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, आपने जल्दी जल्दी में निकले उस चक्कर में और लेट हुए आप। पर आप, आपकी जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल। भगवान आपका प्यार बनाए रखे। I have one request आपसे। जी मैम। I want to hug you। हैं? Hug you। अभी तो 2 साल ही हुए शादी को, क्या? आपके साथ, आपके साथ है, please। मैं आ जाता हूँ मैम। Thank you। Thank you so much। Thank you मैम। Thank you so much sir। थैंक यू सो मच मैम शो में आने के लिए, धन्यवाद। ऐसे ही भगवान आपका प्यार बनाए रखे, आईडी कार्ड भूलते रहे। वैसे भाजी, हॉलीडे का नाम सुनते ना एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है, ऐसा लगता है कि आपकी बीवी मायके चली गई है और कोई पुरानी कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई, कहती है कि मेरी ट्रेन लेट होगी, 2 दिन तुम्हारे घर रुकूंगी। मतलब आए हाय, तो मजा ना आ जाए भाजी, खाबों वाली एक, हाँ होता है अंदर से कुछ। मायके गई हुई है, बातें हॉलिडे की हो रही है, ऊपर से दृष्टि ऐसे, ये सच में ऐसे यहाँ पे हो कि मेरी दृष्टि खराब है आज। चूटी मार चूटी। अबे हर चीज का नजायज फायदा मत उठाकर खुद के मार चूटी। ये सच में यहाँ पे हो दृष्टि के लिए तालियां। तो बेटा दृष्टि, तुम्हें देख के मुझे कैसी फीलिंग आती है? कैसी फिर? मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर इन सो मच इन लव विद मी, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे ध्यान में रहते रहते सारे काम उल्टे करती होगी, जैसे खीर में मीठा डाल देती होगी, सब्जी में नमक डाल देती होगी, जस्ट काइंड ऑफ दैट। खीर में ना मीठा ही पड़ता है और सब्जी में ना नमक, करेक्ट? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा है भाजी, चाहे मैं ही बोलूं, लेकिन प्यार तो है कहीं ना कहीं पे। अच्छा चलो ये बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो मेरे लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? चांद तारे तोड़कर ला सकते? चांद तारे तोड़े ज्यादा नहीं हो रहे, चांद तारे रहने दो, अमरूद तोड़ के ले। अरे चांद तारे का क्या करोगी, अमरूद तो पेड़ में जाएंगे, पेड़ साफ रहता है अमरूद से। अरे चल रहने दो, मैं अपनी दादी की दारू की बोतल लाऊं तुम्हारे लिए। नहीं, शराब की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बातों में इतना मजा है, तभी तो सभी लोगों को तुम्हारे शो की लत लग गई है ना। प्लीज मुझे ये बताओ ना, तुम ये जादू, ये मैजिक कैसे क्रिएट करते हो? एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। मतलब वो देखा, मुंह खोल के बैठा है, देख रहा है। मेरे को लगता है कहीं दूर पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, कहीं हाथों में हाथों डाल के वॉक करेंगे, वहां पे कहीं कैंडल लाइट डिनर करेंगे। हाँ, और एंकरिंग की बातें कब करेंगे? पहाड़ों में जाके एंकरिंग की बातें कौन करता है? पहाड़ों में जाके एंकरिंग की बातें करने सारे हिमाचल वाले एंकरिंग कर रहे होते हैं। अरे कोई बड़ा सा आशियाना बनाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे ऐसे। कपिल, आशियाना ना छोटा होता है, बड़ा नहीं। हिमाचल में कौन पूछता है, जितनी मर्जी जमीन घेर लो, ऊपर से बाहर जा रहा है। ऐसे डुप्लेक्स बनाएंगे, डुप्लेक्स बना के रहेंगे हम लोग, बच्चे गुफा में रखते जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे। मैं तुमसे कुछ सीखने आई हूँ और तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? फ्लर्ट इज अ पार्ट ऑफ एंकरिंग, करना पड़ता है। देखो अब, देखो इधर आओ, अब मेरी आंखों में आंखें डाल के 10 मिनट तक लगातार प्यार से देखो। हैं? हाँ। एंकर्स ऐसा कब करते हैं? मैंने कब कहा एंकर ऐसा करते हैं, मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कह रहा हूँ कि इस चीज की फीलिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, देश तरक्की करेगा। तुम ना समझ रही हो? रियली। वैसे एक बात बता दूं, मुझे ना तुम्हारे जैसे शादीशुदा इंसानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? वो मेरी दूर की वाइफ है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम एक काम करो, जल्दी से आंखें बंद करो दृष्टि। मैं आंखें क्यों बंद करूं? तुम आंखें खुली रखोगे तो तुम्हारा हाथ भी उठ सकता है, मेरी हरकतें ऐसी थोड़ी। तुम्हें करना कुछ नहीं, आंखें बंद करके यहाँ पे बैठे हुए जितने भी इंसान हैं उन सब में से जो सबसे ज्यादा हैंडसम है सिर्फ उसके बारे में सोचना है तुम्हें। उसके लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है,
मैं तो जब से यहाँ आई हूँ ना तब से बस सिद्धू जी के बारे में सोच रही हूँ। अरे सिद्धू पाजी का इन सब कामों में ध्यान नहीं है, वो तो साधु आदमी है। ये और लाफिंग बुद्धा सिर्फ सैर करने के लिए जाते हैं और नहीं। जैसे तुम मुझसे एंकरिंग का ज्ञान लेने आई ना, तो वैसे लाफिंग बुद्धा पाजी से ये ज्ञान लेता कि कैसे खुश रहा जाए। ये बात तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप सबको ज्ञान बांटते। मैं खाली फोकट यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। बाद में मिलते। पक्का पक्का मिलेंगे। अबे जा जा, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारे यहाँ सोनाक्षी सिन्हा आने वाली आज। बिट्टू बिट्टू मेरे लिए टैक्सी बुला ले, मैं पेरिस जा रही। हाय हाय, ये गठरी लेके पेरिस जा रही, कहीं भीख मांगने जा। पेरिस तो ठीक है लेकिन कान पे भोपू के लगाए हुए तूने। अरे बिट्टू मैंने सुना है पेरिस में बर्फ बहुत पड़ती है, उससे बचने के लिए लगाए हैं। वहाँ बर्फ ही नहीं पड़ती, मार भी पड़ी पड़ती है वहाँ पे। बर्फ तो सिर्फ 2 महीने पड़ती है। लेकिन तू पेरिस जा क्यों रही है? और मैं हनीमून मनाने जा रही हूँ। बिना शादी के हनीमून? जैसे वन साइडेड लव होता है ना आजकल सिद्धू जी, वन साइडेड हनीमून का भी फैशन हो गया है। हुआ तेरे को पता, ये जो वन साइडेड चीजें होती है ना सारी गलत होती है। तू उसी साइड में चल जिस तरह साइड पे दुनिया चलती है। और तेरा खर्चा उठाएगा कौन पेरिस में? हाँ, खूबसूरत लड़कियों का खर्चा कोई भी उठाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, खूबसूरत का तो उठा लेता, तेरा कौन उठाएगा? आजकल ना जमाना बड़ा फॉरवर्ड हो गया है। मैं भी ना पेरिस में जाकर बैचलर लोगों के साथ रूम शेयर कर लूंगी, जैसे क्वीन में कंगना रानावत ने किया था। ले, तेरे साथ कोई ऑटो शेयर नहीं करता, रूम शेयर करेगा तेरे साथ कोई। शट अप शट अप शट अप। वैसे ना मैं मजाक कर रही थी, पेरिस में मेरी फ्रेंड रहती है। तेरी 6 सहेलियां हैं, 4 वृद्धाश्रम में रहती हैं, 2 नशे में रहती हैं, ये पेरिस कौन सी चलेगी? तू नहीं जानता, पेरिस में सिर्फ 2 ही चीजें मशहूर हैं, 1 मेरी फ्रेंड और दूसरी इतनी फेमस नहीं है ना कि मुझे याद रहे। पर जो मेरी फ्रेंड है ना वो बहुत बड़ी डिजाइनर, तो जी अकेली मेरी फ्रेंड 10 डिजाइनरों के बराबर है। तुझे यकीन नहीं ना आता, वो आने वाली है मुझे पिकअप करने, तो देख लेना। I'm Miss Peru from Paris, bonjour. ये पेरू ये तरबूज के साइज का पेरू पहली बार देखा मैंने। यही वो मेरी फ्रेंड है, हम इंटरनेट से फ्रेंड बने थे। इंटरनेट इंटरनेट हमारा प्यारा इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट हमारा प्यारा इंटरनेट। ऐसे मुंह वाली सहेली ना इंटरनेट पे दोस्त बनती हैं, फेस टू फेस तो आप फ्रेंडशिप कर नहीं सकते। आपको ये खतरा मोल उठाने का क्या पड़ा था जी? देखिए हमारी मॉडल है, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और जो लोग आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैंने कहा ये आप करती क्या है पेरिस में, कहाँ पर रहती है आप? मैं एफिल टावर। एफिल टावर पर रहती हैं? जी एक्चुअली एफिल टावर से सारा पेरिस दिखाई देता है, वैसे मेरा भी घर दिखाई देता है वहीं से। तो मतलब वहाँ से मीरा भी दिखाई देता है? क्या बोल रहा है, मीरा वीरा रोड में नहीं रहती है ये? तो लग ही रहा है शक्ल ही नाला सुपारा जैसी, मीरा रोड में क्यों रहेगी? एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आई से इन पेरिस में रहती हूँ और पेरिस के फैशन वर्ल्ड में बहुत फेमस हूँ। फैशन वर्ल्ड में क्या करती हैं आप वैसे? मैं एक्चुअली मूंग के दाल के पापड़ घर घर जाकर बेचती हूँ। तेरे से भी पापड़ बिकवाएगी देखना पेरिस में।
और नहीं नहीं बिट्टू, ये बहुत मानी हुई मॉडल है। वो तो लग ही रहा है, खुद ही मान के बैठी मॉडल हूँ, मैं तो नहीं मान रहा। ये इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, मुझे पूरा पेरिस घुमाएंगी ये, है ना? यस। बुआ तेरे को पता ना, वहाँ ऑटो नहीं चलते। हाँ तो कोई बात नहीं, इनके पास बहुत पैसे हैं। वहाँ पैसे भी नहीं चलते, और ना ही तू वहाँ बस के पीछे लटक के जा सकती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ जा रही है। अच्छा, ये आपके साथ जा रही है? आपके साथ तो आपके कपड़े नहीं जा रहे। गोगा कपूर वाला कपड़े करीना कपूर वाले पहने हुए हैं आपने। फिड़े मुँह तेरे, तुझे फैशन की ABCD नहीं पता। चलो जी, हम लेट हो रहे हैं, ओके? लेट तो ऐसे करे जैसे ये लेट गई तो एफिल टावर फोल्ड करके कमरे में रख लेंगे। जा जा, ठीक है। तू भी अपनी टांग को फोल्ड करके ना अपने मुंह में रख ले। हाँ चल जा, इस कामा घाटा मारू के साथ जा। हम लोग जा रहे हैं हॉलीडे पे पेरिस। ओके जल्दी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाय बाय बाय। अरे अच्छा हुआ बुआ दफा हो गई। अब टाइम है सोनाक्षी को बुलाने का। मुझे ये भी पता पाजी, आप भी इंतजार करने सोनाक्षी से मिलने का। अबे मैं तो कब से आतुर हूँ सोनाक्षी को मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले अपनी बहन से तो मिल ले। सबेरे से उसने रट लगाई हुई है, कौन भैया से मिलना है, भैया से मिलना, पता नहीं राखियां बांध रही है, क्या करना है, क्या मुझे समझ नहीं आ रही। कौन ये मिल तो सही, देख सबेरे से देखना। मेरी बहन कहां से आ गई, उसकी तो शादी होगी। देख तो सही, मजाक ना करो पाजी, मैं सोनाक्षी बैठ रहा हूँ। प्यारी बहनिया। कौन बहनिया? कपिल जी, मैंने ना बचपन से आपको अपना भैया माना है। हेलो हेलो, चलो बात पकड़ लो पूछ। बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी, जब मैं बड़ी हो जाऊं तो कपिल की बहना बनूं। सोनाक्षी आ रही बाजी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोनाक्षी को छोड़ के बाकी सब बहनें बन सकती हैं। I don't care. पर मैंने कसम खा रखी है कि जब तक आप मुझे बहना नहीं बुलाएंगे तब तक मैं घूंघट नहीं उतारूंगी। ठीक है मेरी बहना, मान गया मैं बहना, ठीक है बस खत्म करो बात। पक्का? प्यारी बहनिया बोल, प्यारी बहनिया, प्यारी बहनिया प्यारी होती बाजी, ठीक है। खोलो खोलो जी, खोलो। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, बोल दो एक बार। ये हमारे लिए तो कुछ और चीज के लिए यूज करते हैं। वो वाली पिंकी प्रॉमिस, बस एक बार बोल दो पिंकी प्रॉमिस, आप मेरी बहन हो। पिंकी प्रॉमिस, आप मेरी बहन हो। अब मैं सुन, लेकिन गुरु तू मैं मेरे को बता नहीं सकता ना, सोनाक्षी जरा दांत निकाल के हंस रहा है। सब सब मेरी साइड पे। सब आज मेरी साइड पे। दिस इज नॉट फेयर। के बूढ़ों शक्ल से तो लग रहा है सारी कॉमेडी मुझे ही करनी पड़ी। लेकिन महफिल में सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए पहले तो।
सुधीर भाई, आपने एक चीज नोटिस की है? सब कुछ नोटिस किया। सोनाक्षी सोनाक्षी जितनी बार भी कॉमेडी नाइट्स में आई ना, हमेशा पहले से ज्यादा श्रिंक होती जा रही, श्रिंक होती जा रही है। तो सच्ची में पतली होती जा रही हो कि मेरी प्यार की नजर का कमाल है? Am I blind in love? Really, you are reducing so much. Then so everybody must be blind, no? Will with you only. I don't get these people. मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि सोनाक्षी की अक्षय पाजी के साथ चौथी फिल्म है और कॉमेडी नाइट्स में भी सोनाक्षी चौथी बार आई है। तो सोनाक्षी अब तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो अक्षय या तो मैं। दोस्तों, मेरी जीत आपकी अपनी जीत है। अच्छा। आवाम को साथ लेके चलो। अच्छा, अगर अक्षय कुमार मेरे साथ में खड़े होते तो कपिल कपिल करते। हाँ। हम शेर हैं। हाँ। शाबाश। अगर अगर अक्षय कुमार साथ में खड़े होते तो भैया 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 भैया। देखो, अब मैंने भैया तो बना लिया है, तो अब एक साइड पे कपिल, एक साइड पे अक्षय। चलेगा चलेगा, साथ साथ हम जाएंगे झूमते झूमते। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बतानी चाहता हूँ कि सोनाक्षी के दो भाई हैं, लव और कुश। ज्यादातर क्या होता है? और अब एक और, तीन। गुड साउंड इफेक्ट, आई लव इट। क्या किया? ट्वी। इसका मुंह ही ट्वी जैसा, तो वही साउंड देगा। लव और कुश, ठीक है? हाँ जी। देखिए, शादी होती है पहले, हाँ। के पहले लव होता है, पहले लव होता है, हाँ। पहले लव होता है, फिर शादी होती है। इनके, हाँ। यहाँ उल्टू हुआ, पहले शादी हुई फिर लव हुआ। अच्छा, सोनाक्षी, लव कुछ आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े हैं। दोनों बड़े हैं। जुड़वा है यार। दोनों जुड़वा है? हाँ। अरे वाह, नहीं ठीक होता, फिल्म इंडस्ट्री में लोगों के पास टाइम नहीं होता तो ठीक है, एक ही बात। मैंने हाल ही में शत्रु सर की एक इंटरव्यू देखी, उन्होंने उसमें कहा कि मुझे जो है दामाद जो चाहिए सोनाक्षी के लिए, वो ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा ही टॉल, हैंडसम, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, बड़ा यू नो गैजेट वैजेट की नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ चीजें। वो मैंने कहा था। आपने कहा था? हाँ। पर जहां तक मेरा ख्याल है कि आप भी हमेशा इसीलिए जानी जाती है कि हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहती हैं आप, तो इस बार मेरा नाम इतना घुमा फिरा के क्यों लिया? जल्दी एक शॉट में मैंने किसी को भैया नहीं बनाया है बिना राखी के। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। सोनाक्षी, कम ऑन। भैया भैया क्या के सारा मेरा एनर्जी डाउन हो जाती बाजी मेरी। आओ बैठ के सत्संग करें। आइए, जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए प्लीज। आपकी ये है मेरा बॉय, मैं फिल्मों में एज ए हीरो आ रहा हूं। कौन? मैं? क्या बात कर रहे हो आप? हाँ। फिल्मों में आ रहे हो आप? हाँ जी। अरे आप आईसीयू में आओ किसी दिन। किन चक्रों में पड़े हुए आप? आईसीयू। तुम जाओ बेटे और जूस उधर जमा करवा देना, कहीं आकर पीता हूं मैं। कितनी पतली हो गई है, मारूंगा मैं मैडम। अरे मैं आपको नमस्ते कहने के लिए उठी हूँ, कब से आप वहाँ पे मतलब कुछ भी बोल रहे हो? देखो, तुम्हें हेलो नहीं करनी आती, यंग बॉय तुम्हारे सामने खड़ा, नमस्ते कर रही हो। अब मैं बैठ जाऊंगी। कितने पतली हो गए, तुम्हें पता है, इसीलिए तुम दूर से नजर नहीं आ रही थी। साक्षी, मैं तुम्हें यहाँ ना हॉलीडे के लिए बधाई देने आया हूँ। थैंक यू। नहीं तो अक्षय कुमार भी तो हॉलीडे के लिए आए थे, वो क्या शोभा डे के लिए आए थे? उनको क्यों नहीं बधाई दी आके? देखो, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो थोड़ा हाथापाई पे उतर आता है तो? और फिर तुम्हें मेरे गुस्से का पता ही है, तो बात बढ़ भी सकती है। बढ़ सकती थी मतलब? मेरी डेथ भी हो सकती है, समझा करना यार।
अंकल मैंने भी इस फिल्म में थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की। मैंने कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, पहले वर्ड चेंज करो। अंकल बोल रही है ये। खैर सोनाक्षी जी, मैं आई सिट प्लीज। आए वे प्लीज जब कहती हूँ बड़ा प्यारा लगता है। सोनाक्षी तुम्हें पता है मैंने यह सुना है कि तुम जब शूटिंग पे जाती हो तो अपने को स्टार्स के लिए खाना लेकर जाती हो। कभी कभी तो इधर भी ले आती, हमने करवा चौथ का व्रत रखा था। नेक्स्ट टाइम कुछ ले आऊंगी आल्सो, डोंट वरी। देखो मेरी बात सुनो सोनाक्षी, तुम खाली हाथ आ गई हो लेकिन हमने तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने देना। चलो इधर फिल्म के लिए तुम्हें एक रोल देना है मैंने। आपने? हाँ जी, और फिल्म के लिए मैंने डायरेक्टर साइन किया प्रभु देवा को। अरे ये प्रभु देवास को किसी ने ऊपर से तोड़ लिया, आधे आधे तोड़ लिए, ये तो बहुत छोटे लग रहे हैं प्रभु देवा। हाँ जी, बड़े वाले महंगे पड़ रहे थे इसलिए मैंने मिनिएचर को साइन कर लिया। ओरिजिनल नहीं मिला तो पायरेटेड कॉपी ले आए तुम। हाँ जी, ये चाइना मेड है। प्रभु सर, इन्होंने वाकई आपको साइन किया है? या सोनाक्षी, और इनको बताओ कि प्रभु देवा बात नहीं करते, सीधा डांस ही करते हैं। लगे हाथ एक गाना हो ही जाए। हो ही जाए? हाँ, छोटा छोटा डांस हो जाए बस। चलो तालियां। सिखाओ भाई। म्यूजिक ऑन है। म्यूजिक फोन आ रहा है। आगे से आएंगे आप? हेलो 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 हाय। रसगुल्ले कहेंगे? मुंह पे दाढ़ी लगा गया तो हमें पता नहीं चलेगा प्रभु देवा नहीं है। सोनाक्षी के ढेर सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, लड़के जितने भी आए हैं यहाँ पे ये परफ्यूम लगा के, ज्यादा सोनाक्षी से फ्रैंक नहीं होना किसी ने। लेडीज मोस्ट वेलकम, लड़के कैन गो आउटसाइड। जी हाय, आई एम रौनक जैन। यस रौनक, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, आज आप बहुत फेब्यूलस लग रहे हो मैम। थैंक यू, थैंक यू। हमने कहा भी था कॉम्प्लीमेंट सारे बाहर रख के आने हैं। चलो जल रहे हो यार, बैठ जाओ। बोलो बोलो। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपकी कई मूवीज में आपने मैरिड और अनमैरिड को एक्टर्स से के साथ काम किया है, बट स्टिल आपकी रियल लाइफ में आप सिंगल है, तो क्या मैम आपको को एक्टर्स पसंद नहीं आया या सिंगल रहना मस्त रहना में आप बिलीव करते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? लड़की खुश है अकेली तो आप जबरदस्ती, अगर कोई कोई डबल होती तो आप डबल हैं, क्यों हैं आप सिंगल? सिंगल है, शी इज सिंगल। सर इंडिया है सर, क्वेश्चन तो हर बात पे बनता है। वैसे एक बात ये भी मेरे मन में आई थी, सोनाक्षी जितनी बार भी आई सोनाक्षी हमेशा सिंगल ही है पहले से लेके अब तक, क्या आप मेरी ना का इंतजार कर रही हैं? अब तो भैया बना तो ओके कम ऑन लेट्स चेंज द टॉपिक। बट मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं? मैम आप इतनी अच्छी लगती हो तो आपके ऊपर भी बहुत सारों ने लाइन तो मारी होगी ना।
तुम मेरा सीधा नाम नहीं ले सकते थे? बेटा लाइन वाइन किसी ने मारी ना तो दिल्ली से आवाज आएगी, पाजी, पाजी, मत बोलो ये बात। आई थिंक इसी वजह से सब लड़के डरते हैं मुझसे। चलो अब तो मैं भी खुद तंग आ गई हूँ, अब मुझे ढूंढ के दो कोई लड़का, कोई नहीं आता। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ सोनाक्षी, बड़े सारे लोगों के दिल में ये चीज होती है कि यार वो कई लोग बोलते हैं कि मैं सिंगल खुश हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें हमारा जीवन साथी मिल गया हम खुश हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बैचलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी शादियां हो चुकी हैं। मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो इंसान ज्यादा खुश है जो अकेला है, या वो इंसान ज्यादा खुश है जिसके साथ उसका जीवन साथी है? जी वो सिंगल लाइफ में ऐसा है कि वो उसका टाइम होता है वो सिंगल ही अच्छी लगती है, जब उसका टाइम आ जाता है तो वो डबल करना ही पड़ता है। डिप्लोमेट ना बने आप, कैसी मजबूरी है ये, डबल करना ही पड़ता है। और फिर जब डबल का टाइम आए तो ट्रिपल भी करना ही पड़ता है। ट्रिपल भी हो ही जाता है। आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ ये है। आप बताइए भाई साहब असली राज, यहाँ से आएंगे बाहर? खुश हूँ, एकदम खुश हूँ मैं। खुश है कि डरे हुए हैं? नहीं नहीं बिल्कुल खुश हूँ। ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। प्रेशर की बाल्टी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का? कितने साल हुए सर आपकी शादी को? 16 साल। 16 साल। एक कोई मेरा भाई कोई सिंगल तो सोनाक्षी की तरफ से पैरवी के लिए कौन आ रहा जो कहता है कि हम सिंगल खुश हैं? हेलो हेलो, सिंगल मैं खुश हूँ। सिंगल आप खुश? फ्रेंड्स वगैरह से पूछता रहता हूँ, सारे दुखी रहते हैं, जिसकी शादी हो जाती है ना सारे दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं, कभी उन्होंने बताया ऐसा? ये तो आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती होगी। क्या म्यूचुअल फंड? क्या लाइफ बिताने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वो शायद नहीं हो पाती होगी इसलिए लोग दुखी रहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। IAS की? अरे वेरी गुड। कब है आपके एग्जाम? जुलाई में ना? अगस्त। अगस्त में तैयारी कर रहे हैं पूरी? आप यहीं पे बैठ के कर रहे हैं? स्पेशली आपके लिए आया हूं कपिल। चलो खैर, ये भाई साहब ने फिलहाल यही कहा कि यार दोस्त ऐसा बोलते हैं, अगर सोनाक्षी सिन्हा आपसे शादी करने को तैयार हो जाती हैं, तब भी आप कहेंगे कि आप सिंगल ही खुश हैं? सोचना पड़ेगा इस बारे में। वाओ, कोई ऐसी लेडी जो अपने घर वाले के बिना आई है? जी मैम, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं कह रही थी कि जब शादी नहीं हुई थी आई एंजॉय, मैंने वो भी दौर एंजॉय किया। शादी के बाद भी मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे सब चीजों में सपोर्ट करते हैं और मैं काफी कुछ शादी के बाद भी कर सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। आई मीन आई एम हैविंग अ गुड लाइफ, दोनों चीजें मैंने एंजॉय की है। लेडीज की तो बात ही नहीं हुई खुश होने की एक्चुअली। मैंने कहा क्या हस्बैंड भी उतने खुश हैं, वो आए साथ में? हाँ नहीं आए हैं इसलिए तो बोल रही हूँ। नहीं आए साथ में तब पता चलेगा। वो साथ में नहीं आए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको कैसे पता वो खुश हैं? क्या पता बेचारे उदास ही बैठे हो? नहीं मुझे पता है, बहुत साल हो गए। आप कोई ऐसी दो चीजें बताइए कि सोनाक्षी उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार ये मैम जो है वो सही बोल रही है, मैं भी शादी कर लूंगी। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको एक साथी मिल जाएगा। क्या बैंक से लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है? आपको रहने दीजिए कपिल जी। नहीं नहीं आई फील दैट शादी करनी चाहिए, अच्छा सा साथी मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है जो आप साथ साथ कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो लाइफ साथ को। साथ कौन सी चीजें मतलब? साथ साथ मतलब कपिल के शो पे भी आ सकते हो साथ साथ, अगर आए तो है नहीं, फिर नहीं भी। आए नहीं आए, ऑफिस गए हैं। और क्या चीजें साथ साथ कर सकते हैं? समझ गए सोनाक्षी, आप समझ गई ना? एक ही टूथब्रश दोनों कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कौन सी चीजें हैं जो साथ साथ कर सकते हैं? घूम सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। भाई साहब आप बताइए आपने कौन सी दो चीजें साथ की आज तक? मैं दोनों पक्ष हमने साथ साथ खाना खाया है। साथ साथ 23 साल जिंदगी के बिताए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। और जब ये सामने खड़े होते हैं वो आरती करती है होम जय जय के। और कोई अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जी। और कौन से काम है? साथ साथ घूमने गए अभी। बोलना लवी डवी बोलना। चलिए और कोई मेरा भाई बंधु विशेष टिप्पणी देना चाहता है? और कोई
चलिए शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए. अभी नाउ इट्स रेस्ट टाइम. मतलब कोई कंक्लूजन तो बन ही नहीं रहा है आज तक हमारे. ना करो, सिंगल रहो, बॉयफ्रेंड बनो, मतलब बोलो ना यार, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है. एक्चुअली हमारे जो जितने भी गेस्ट आए सब डिप्लोमेट एक्चुअली. हाँ, अपनी अपनी फैमिली सबको देखनी होती है. मैं बता, अभी मुझे थोड़े साल काम करना है. ओके, देन आई वांट टू फाइंड अ नाइस टॉल बॉय फॉर मी. हाउ मच टॉल? सो टॉल दैट इट डजंट हैव टू स्टैंड ऑन अ स्टूल. ओके, इट्स ओके, आई विल गेट दैट. फाइन, एनी अदर गेस्ट हु वांट्स टू टॉक टू सोनाक्षी? ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक. कर लेंगे शादी, कोई बात नहीं इतनी जल्दी. तुमने सवाल पूछ के सारा काम खराब किया है. खुद अपनी 10+2 नहीं हुई और आप क्यों सिंगल है? आगे से नहीं ऐसे सवाल करने. सोनाक्षी जी, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बार ऑडियंस में नजर मार के आप बताइए कि इस वक्त मुझे और सिद्धू पाजी को छोड़ के बाकी सब में से किसकी ड्रेस सबसे बढ़िया है? किसकी ड्रेस सबसे बढ़िया है? हाँ, आप नजदीक जाके भी देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं, मुआयना कर सकती हैं, ताकि कोई भी इसमें घपले की गुंजाइश ना रहे. तू सोचते रहे. सोचूंगा, सोचते रहेंगे, सोचते रहो करके. भाई साहब, आप कंधा बाहर क्यों निकाल रहे हैं? वो अपने आप देख रही हैं वो सबको. ऐसे कर दिया थोड़ा सा कि मेरे को देख. आंटी, बिकॉज उन्होंने मेरी तरह ऑरेंज कलर पहना है. पार्शियलिटी. मैंने सुना था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, संतरे को देख के संतरा रंग बदल रहा है. वाओ, चलिए. गुड चॉइस. सबसे वर्स्ट ड्रेस किसकी है? अच्छा, अब वो अंदर हो रहे हैं, जो बाहर आ रहे थे ना, अभी ऐसे हो रहे हैं. पहले ऐसे हो रहे थे, पहले ऐसे हो रहे थे. वर्स्ट ड्रेस. भाई ये बदला हो रहा है, बदला बहुत सोचता है. अभी आप IAS बन भी जाओगे ना, एक मन में तो कहीं ना कहीं चोट रहेगी कि यार उस दिन मैंने जो बोल दिया ना सोचूंगा, तो उसकी वजह से काम खराब हो गया. एनीवेज, थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो कपिल सर. हाय. हेलो सोनाक्षी मैम. हेलो पाजी. हाय सोनाक्षी मैम, मैंने तकरीबन आपकी सारी मूवी देखी है. आर राजकुमार मेरी फेवरेट है. थैंक यू. उसमें एक सॉन्ग है साड़ी के फॉल सा, मैं आपके साथ एक बार डांस करना चाहता हूँ उस गाने पे, प्लीज. यार एक सेकंड, आपको वो गाना अच्छा लगता है ना साड़ी के फॉल्स, तो एक शर्त है मेरी भी. मैं कभी ऑडियंस से कोई शर्त नहीं रखी. आप साड़ी पहन के करेंगे? चलेगा सर, कुछ भी. सोनाक्षी मैम के लिए कुछ भी. Are you serious? आज मैंने कोई लड़का रहने नहीं देना तुम्हारे साथ डांस करने. आज मैं सब देखो साड़ी को मंगो. हमारे प्रोडक्शन हमारी बड़ी रिच है. ऑप्शन देते हैं आपको, कौन सी पहनेंगे? पिंक वाली. आप कर पहन ही रहे हो तो मतलब ढंग की पहनो, लड़की वाले कलर वाले पहनो. रंग भी मैच कर रहा है. हाँ, मुझे पहनने नहीं आती. अभी पहनाएंगे आपको, फिक्र ना करो. आप डांस करके हीरो बनना चाहते हैं ना बेटा, देखो साड़ी पहना आगे आज क्या करता हूँ. वैसे एक सीक्रेट बताऊं, आपको भी नहीं आती पहनना, तो मुझे भी नहीं आता और पहनाना तो बिल्कुल नहीं. मैं लड़के की माँ. हम बहन मारेंगे घर. अरे 2 मिनट, खोल क्यों रहा है साड़ी सबके सामने? See, it's not easy to dance and all in साड़ी, but I can do it. Go. ये भी ले जाइए आप.
क्या बात है दादी, ये तेरे को क्या हो गया? अरे तेरी उंगलियां किसने काट दी? उंगलियां काट नहीं दी पागल, अरे उंगलियां अंदर है, मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए ना। सोनू बेबी हाय, इतनी सूखी सूखी हाय, व्हाट हैपेंड, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बट पिछली बार जब अक्षय सर आए थे, हाँ? मैंने सुना आपने उनको कहा कि मैं आपसे बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ और इससे मैं शो में नहीं आई हूँ। नहीं, वो तो ऐसे, that was very girl girl talk, ऐसी मैंने छोड़ दिया था। और क्या बोला था? बोला था कि मैं इनसिक्योर हो गई हूँ क्योंकि आपकी दोस्ती मेरे डैड के साथ है। ऐसी कोई बातें करते हैं? अक्षय पे भरोसा नहीं कर सकते बेटा। बिल्कुल भी नहीं। सब बोल देता है। नहीं वो, actually क्या ना, सुना, मैं बताती हूँ, खुलासा करती हूँ। एक्चुअली क्या नाम, मैं सच्ची बताती हूँ, मैंने उसे कहा था कि मेरा और तुम्हारी मम्मी के साथ बहुत अच्छा जमता है, हाँ। तुम्हारे पापा से थोड़ा सा ज्यादा जमता है, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्यों, ऐसी क्या बात है जो ज्यादा जमने वाली, बता दो अभी। इस उम्र में तेरे से दही नहीं जमता तो तेरे से क्या जमता है? झूठ की बोलती रहती है। नहीं, ये तू इतनी क्यों नाराज हो रही है? एक बात बता, आज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा और शत्रुजी के बीच में क्या है। क्या है? सुन, बोल। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बोलिए। थक गई हूँ ये सब तोमतों से। जिसको देखो मुझ पर इल्जाम लगाते रहते, ही इज जस्ट अ फ्रेंड, इट्स जस्ट अ प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। अब क्या बोलूं, हमें भी ये लाइन बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, आई बिलीव यू। और तुम मुझसे रूठ रही है, तुम मेरी गुरुदी, चल माफ कर दी मेरी बच्ची, मेरी गुरुदेव हो तुम। हाँ मैं, हाँ, तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हो गई हूँ गुरुदेव। अरे तेरी गुरुदेव कैसे हो गई हो? अरे इसकी तस्वीर लगा के तो बॉक्सिंग सीखती हूँ मैं। हाँ, तू नहीं जानता मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये सही बोल रही है सराची, ये बहुत इंस्पायर्ड है, पता है? मैं पहली जैसी नहीं रही, हल्की फुल्की। आपसे ये सच्ची में बड़ी इंस्पायर है, पता है? हाँ। ये सच्ची में आपसे बड़ी इंस्पायर है सोनाक्षी, जब आपने लुटेरा फिल्म की थी ना, हाँ। तो ये जेब कतरों के गैंग में शामिल हो गई थी। अब आप ही बताइए सिद्धू जी, हाँ। अगर ये लुटेरों के साथ घूम सकती है तो क्या मैं पॉकेट मारों के साथ नहीं घूम सकती? बिल्कुल बिल्कुल दादी, उसका लुटेरा रणवीर सिंह था, तेरा मदन लाल जेब कतरा, फर्क कितना है? मैं एकलव्य की तरह आज अपने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। मांगो गुरुदेव, क्या चाहिए तुम्हें? फिलहाल एक कप चाय विल डू। कैसे मेहमान बुलाते हो, चाय पानी कुछ ऑफर भी नहीं करते हो? ये क्या मांग लिया? बकरी का दूध सूख गया है, जब तक कपिल पप्पी नहीं लेगा बकरी दूध नहीं देगी। मांगना था तो अंगूठा मांग लेती, चार चार लेके घूम रही हूँ, दो अपर दो डिपर, चाय कहाँ से दे दू? देख सोना, खाने पीने के अलावा कुछ भी मांग ले, सब मिल जाएगा। कुछ भी? हाँ, बिंदास मांग। चलो डायमंड रिंग दे दो एक फिर। चाय अदरक वाली लेंगी कि इलायची डाल दो उसमें? बाइना लाइन पे। अब क्या हो गया, अब दे डायमंड रिंग। वैसे ये क्या, ये नकली है? लग रहे हैं नकली। बिट्टू डायमंड रिंग तो ला देती, लेकिन तुझे तो पता है अभी दुकानें सब खुली होगी ना। कहीं की थी, पर बॉक्सिंग को सीख रही है तू? ये सेल्फ डिफेंस के लिए। वेरी गुड, सबको सीखना चाहिए। हाँ। तेरे को कौन छेड़ेगा दादी? छेड़ता तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ ना तो बहुत लड़ाई हो जाती है मेरी। पता क्यों होती लड़ाई ना? क्यों? आप शॉपिंग करोगे पैसे नहीं दोगे तो लड़ाई होगी। ये कभी इससे कोई चीज पूछ लो आप, जैसे आप शॉपिंग करती हो तो आप ड्रेस का प्राइस बताते हो ना कि ये मेरी 10,000 की, ये 15,000 की, इससे कुछ पूछ लो साड़ी कितने की, ये बिट्टू मैंने 10 मुक्के में ली है। ये कितने में ली है? 10 मुक्के 12 थप्पड़। परसों तो पर्स लेके आई, कहती ये थोड़ा महंगा है, 25 मुक्के 50 थप्पड़। ये ऐसे ऐसे तो काम करती दादी। वो वाला थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल गया था क्योंकि दुकानदार पहचान वाला था ना। तुम्हारे ही पैसे बच रहे हैं ना।
हाँ, लेकिन अभी होते तो बचते ना, जब है ही नहीं तो बचेगा क्या? लेकिन एक बात बताओ, अभी ये सब की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बॉक्सिंग सीख ली है ना। तू देख बिट्टू, कम से कम 200 लोगों को तो मैं पीट सकती हूँ अकेले। हाँ, अरे 200 लोगों को मारने वाली, पहले मुझे एक को तो मार के दिखा। Please welcome the number one heavyweight champion. It's time winner, even stronger than Hulk Hogan. Hey, Pankhudi aunty, you? Yeah! Aunty, bolne ki koi zarurat nahi hai. Tu kya kar rahi thi? 200 logon ko ek saath maar degi. अब मैं आई हूँ, जरा एक को मार के दिखा दे, तू पहले दिखा दो। ओए हाय, ज्यादा उखड़ मत जमीन पे रे, मैंने 200 कहा था, 450 नहीं बुड्ढन। ओए बोकुड़ दाढ़ी, तेरे मुंह को लगे। बाय द वे, मैं कमजोरों पे हाथ नहीं उठाती। दादी, ये कमजोर लग रही तेरे को? और क्या, अपने थाइस में फंसा के जापान के दो टुकड़े कर दे। सही कहा तूने बेटा, एकदम सही कहा। और तू एक मिनट, आज मैं तुझे हरा कर अपनी ये जीत अपने गुरु को डेडिकेट करना चाहूंगा। सोनाक्षी, आपकी भी गुरु है पंकज? आपकी भी गुरु से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मेरी ही गुरु है। इनसे ही मैंने तो ट्रेनिंग ली है सारी, बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, कैरम, सारी चीजें मैंने इन्हीं से सीखी है। अच्छा, सब सीख लिया है? मुझे कैरम खेलना नहीं आता। सिखाया तो था। हाँ, चेस होगा, चेस। इतना सब कुछ सीख लिया तो इससे कुछ मुंह पे लगाना भी तो सीख ले बोकुड़ दाढ़ी। शक्ल देख अपनी। बुड्ढन, आज आज जरा तमीज से बात कर ले, क्योंकि आज मैं अपने गुरुदेव से पहली बार मिल रही हूँ। गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती रहो। नहीं, वो नहीं लगती सौभाग्यवती। देखिए गुरुदेव, मैं लेकिन ये कहना चाहूंगी कि आज आप बहुत ही स्लिम ट्रिम सेक्सी टाइप की लग रही हैं। थैंक यू। मतलब ये कैसे हुआ? हाउ हाउ? ये मतलब बहुत वर्कआउट करना पड़ा, और आप जितना खाती है मैं उतना नहीं खा सकती एनीमोर। तो उतना देखती भी नहीं है जितना तू खाती है। एक मिनट, थोड़ा थोड़ा मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। ये जो लड़का है रणबीर कपूर, हाँ, इसने कभी आपको प्रपोज किया? रणबीर कपूर मुझे? उसने सिर्फ मेरे को ही नहीं किया है। मायूस ना हो बेटा, मायूस ना हो, मेरी बेटी पलक को भी नहीं किया। पता नहीं लड़का चाहता क्या है। आई अंडरस्टैंड। रणबीर को छोड़ के वो क्या चाहता है ये बता, तू क्या चाहती है, यहाँ क्यों आई है? अरे मैं तुझे घूसे मारना चाहती हूँ। हाँ, क्या तू मेरी बेटी से किस तरह बात करती है? उसे मोटी 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 कैसी रहती है, क्या तरीका हुआ? अरे एक मासूम सी लड़की, जरा सी उसकी कमर थोड़ी सी बाहर क्या निकल आई, उसको तू मोटी कहेगी? वेरी बैड। ए पंखुड़ी आंटी, पलक की कमर थोड़ी सी बाहर निकली है? इतना बिहार से झारखंड नहीं बाहर निकला जितनी उसकी कमर बाहर निकली है। झूठ बोलती हो आगे से हमारे घर में? देख बड़ा, आज मुझे जितनी बेइज्जती करनी है तुम कर लो, लेकिन मैं अपना सारा गुस्सा निकालूंगी सिर्फ इस बुढ़िया पे, क्योंकि क्या मैं लड़कों के हाथ उठाती हूँ नहीं। तो एक मिनट गुरुदेव, आप मुझे आज आशीर्वाद दीजिए। हो जाए। आज याद तो ये नहीं रहेगी या फिर ये ही नहीं रहेगी। चलो दादी, तू खड़ी खड़ी मुके देख रही है, 500 मुके खा, बात खत्म कर। अच्छा, तू फिक्र ना कर, तेरी दादी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। रुक, अभी इस बुड्ढन के सारे दांत तोड़ती हूँ। अरे बेटा देख देख, एक तोड़ना है ना, इससे पहले मत थक जाना। तोड़ना है तो ऊपर से चौथा वाला दांत ना वो तोड़ दे, वो थोड़ा दर्द कर रहा है, वो ठीक है। उसके अलावा एक
मेरी बात को, मैं एक कहना चाहती हूँ, हाथ चारों ऊपर आ जाते क्या, ग्लव है ना, एक उंगली आगे। आंटी लेकिन ये बात गलत है, तू ऊपर से आंटी नीचे से अंकल है, तू गलत है लड़ रही मेरी दादी के साथ। एक मिनट, तेरे सारे के सारे अभी कुत्ते से भी भत्तर काटूंगी तुझे। एक नहीं दो होते टुकड़े, ये बहुत बड़ी है, दो नहीं होंगे मुझसे। एक ही करती हूँ, चल। ओके शुरू। एक मिनट यार, ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होती फाइट, सुरक्षित बताओ उसको। रेफरी भी होता है, ये बात नहीं सीखी तुम दोनों ने। अच्छा हाँ ओके, मैं स्टार्ट बोलूंगी तभी स्टार्ट करना। ओके तो ये जमीन पे ही लड़ेंगी, रिंग नहीं लगाएंगे इनके लिए? लगा दो फिर, रिंग लगा दो, है रिंग लगा दो जरा फटाफट। रिंग तो मैंने पहन रखी है अंदर। डायमंड? डायमंड नहीं है बेटा, सिर्फ तांबे की। वाह, ये तो रिंग विंग, ये फिट आ जाएंगी इसमें दोनों एक साथ? तो फिट होएंगे हम लोग, फिट आ जाएंगी क्या ये दोनों? चलो मेहरबान कदरदान, अब होने जा रहा है खानदानी बॉक्सिंग मुकाबला। ये दोनों खिलाड़ी ये दोनों खिलाड़ी आपको मदारी लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं, ये खिलाड़ी है बकरी की तरफ से लड़ने आ रही है, द वन एंड ओनली नहीं बल्कि इनके जैसी और भी है पंखड़ी, और इस तरफ से भी अपने आप आ रही है डॉली द दादी, जोरदार तालियां। और इस मैच की रेफरी है सोनाक्षी सिन्हा। मैच शुरू होता है, चलिए वो राउंड वन। कैसे करें? So girls, please learn boxing and self defense. ताकि कोई भी हमें छेड़ने से पहले 10,000 बार सोच ले. But yeah, this will also do. और हाँ, comedy night में तुम्हारा शो कितने बजे कब कब आता है बता? 10 बजे आएगा हमारा शो, शनिवार रविवार रात 10 बजे, ओनली ऑन कलर्स।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.